जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि ये पेयर नंबर वन था और इसने कह लो कि चार बच्चे दिए थे और चार के चार माशाल्लाह हेल्दी और अच्छे हैं। तो हमने उनको सेपरेट किया था, उनकी हार्वेस्टिंग की थी। तो ये हुआ कि उसके बाद इस फीमेल ने दोबारा दो एग ले कर दिए। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो शायद आप देख पाएं, इसके अंदर दो एग्स जो है ना वो इसने ले कर दिए। तो अगर देखें तो वो देखें, ठीक है, थोड़ा सा फोकसिंग करना डिफिकल्ट है। और कह लेंगे अगर आपको देखें तो दो एग्स जो है ना वो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये वाले दो एग्स हैं इसने ले किए, तो हमने इसको सेपरेट इसके बच्चों को कर दिया, ठीक है जी। तो ये वाली थी हमारी फीमेल और ये था इसका मेल। तो इसके बच्चों को जो हमने अलहदा किया था, तो मैंने कहा था कि हम लोग एक और अलहदा, मैंने फ्री थोड़ा सा बड़ा केज था तो उसके अंदर हमने इसके बच्चों को किया था अलहदा। तो अगर आप देखो तो ये इसके चारों बेबी हैं और बड़े माशाल्लाह हेल्दी हैं अभी चारों के चारों, और सही सेल्फ हैं, खाते पीते हैं। तो हफ्ते डेढ़ दो हफ्तों में इनकी जो है ना कलर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो हमें कंफर्म हो जाएगा इसमें से कितने मेल और कितने फीमेल हैं। चलिए, ये तो था प्रीवियस वीडियो का छोटा सा एक कह लेंगे इंट्रो उस पेयर के बारे में। तो हम अब आ जाते हैं पेयर नंबर फोर पे, जिसमें आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि पेयर नंबर फोर जो है उसका कह लें कि जो मेल फीमेल थी वो मारती थी मेल को पहले पहले। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने इनका अलहदा किया, ठीक है, इनका पेयर बनाया। पेयर बनाने के बाद कह लें कि इन्होंने फिर नेस्टिंग स्टार्ट की, और नेस्टिंग स्टार्ट करने के बाद इन्होंने कह लें कि एग ले किए, और एग ले करने के बाद चार एग थे या तीन थे शायद, तो उसमें से दो जो है ना इन्होंने बच्चे निकाले थे। तो आज हम यही करेंगे कि मैं आप लोगों को इस पेयर का जो है ना कह लें कि बेबीज़ को दिखाऊंगा। और माशाल्लाह दोनों बेबीज़ जो है ना वो कॉमन नहीं है, दोनों कह लें कि वो कॉमन नहीं है, वो डिफरेंट है। और एक तो फीमेल जैसा है इसका, इसकी तरह, और एक मेल की तरह है। तो दोनों बेबीज़ जो है ना वो वन डिफरेंट कलर है, वो कॉमन नहीं है, दोनों अपने माँ बाप पे गए। तो चलें जी, मैं आपको उनका थोड़ा सा विज़िट कराता हूँ, क्योंकि हमें बॉक्स उतारना पड़ता है। तो मैं बॉक्स को थोड़ा सा हैंड लगा के, इसके पीछे कील लगे हुए हैं बॉक्स के, तो हम लोग बॉक्स को उतारेंगे, और बॉक्स को उतार कर मैं नीचे रख दूँगा, और बॉक्स को लाएँगे हम थोड़ा सा करीब और रखेंगे इस तरह, ताकि हमें बेबीज़ जो है ना वो सही तरीके से नज़र आ जाए। और ये जी, अगर आप देखें तो दो बेबीज़ हैं इसके अंदर। मैं थोड़ा सा फोकस कर दूँ आप लोगों के लिए, आप देखें जी, ठीक है जी। तो ये है एक, ये ज़्यादा डार्क है लेकिन ये कॉमन नहीं है, आपको बताऊँ तो ज़्यादा डार्क है, कॉमन नहीं है, और अपने कह लें कि ये अपनी माँ की तरह है, फीमेल की तरह। और दूसरा माशाल्लाह वाइट है, अगर आपको नज़र आ रहा है देखें इसके अंदर, वो वाइट है, और हेड हल्का सा उसका है लेकिन वो वाइट कर जाए। तो ये माशाल्लाह दो बेबी हैं, और जैसे ये बड़े होंगे, ये कह लें कि और हफ्ते दस दिन में ये बाहर आ जाएंगे, और कह लें कि जब ये बाहर आ जाएंगे तो फिर हम इनको भी, इनकी भी हार्वेस्टिंग वगैरह करके तो सेपरेट कर देंगे, ठीक है जी। तो मैं इसको वापस लगाता हूँ यहाँ पे, और फिर उठाते हैं इसको और वापस हैंग कर देते हैं बॉक्स को। ओके, हैंग हो गया मजबूती से, और हम इसको छोड़ देते हैं जी। देखें, फीमेल ये है और मेल इस बॉक्स के ऊपर बैठा है, ये मेल फीमेल दोनों हैं। तो माशाल्लाह इनका भी अच्छा रिजल्ट है, फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग थी इनकी भी इस बॉक्स में, तो होपफुली नेक्स्ट टाइम चार से पांच बेबी तो आएंगे ही। और ये बड़ा अच्छा पेयर है, और जिस तरह फीमेल की बॉडी स्कोर अभी बता रहा है, वो मे भी कुछ दिनों में एग लेइंग करने वाली है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दो चार रोज़ में ये जो बेबीज़ हैं दोनों बाहर आ जाएंगे।
तो फिर हम क्या करेंगे कि उनको भी अलहदा कर देंगे जैसे ही वो सेल्फ फीडिंग पे जाएंगे। तो अभी तक मेल और फीमेल दोनों ही फीड करा रही हैं क्योंकि बेबी स्टिल इन द बॉक्स, अभी भी वो बॉक्स के अंदर हैं। तो उसके बाद यह है कि कलर बहुत प्यारा निकाला है, मुझे तो बहुत कह लें कि अच्छे लगे हैं दोनों बेबी। मज़ीद बाहर आएंगे तो और मज़ीद इनका कलर सामने आएगा। तो अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा है इनके इन बच्चों का कलर तो ऐसा ही आप भी पेड़ लगाएं, तो होपफुली कि वो रिज़ल्ट ऐसा ही देंगे जिसमें वाइट का मेल और फीमेल जो पेंगुइन टाइप कलर, पेंगुइन कलर की तो फीमेल है, तो ये दोनों मैंने लगाए हैं। जिस तरह पेयर वन की भी पेंगुइन टाइप फीमेल है तो वो भी सेम उसने तो रिज़ल्ट नहीं दिया क्योंकि उसका जो है कॉमन हुए हैं चारों, वो क्योंकि मेल जो है डोमिनेट कर गया है उसका मेल्स के जीन्स, तो लेकिन यहाँ पे जो है ना वो इक्वली डिवाइड हुए हैं मेल और फीमेल के जीन्स, तो एक मेल पे गया और एक फीमेल पे गया बेबी। तो इंशाल्लाह जी मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही ये दोनों मेल फीमेल बाहर आएंगे बच्चे, तो होपफुली एक मेल और एक फीमेल होगा, या दोनों फीमेल होंगी या दोनों मेल होंगे, तो लेकिन अच्छे पेयर बनेंगे। वो भी मैं उन्हें ब्रीडिंग के लिए लगाऊंगा, फ़िलहाल मैं इनको आगे नहीं दे रहा किसी को। तो मेरा प्लान है कि मेरे पास अभी चार कह लें कि सेक्शन खाली हैं वो नए वाले केज के, तो चार नहीं बल्कि पाँच, तो पाँच जो है ना देखें मेल अभी भी हीट पे है, तो पाँच जो है सेक्शन खाली हैं, तो जैसे ही वो पांच सेक्शन कह लें कि हो जाएंगे तो हम लोग फिर उन पांच सेक्शंस के ऊपर जो है ना वो करेंगे। ठीक है जी, मेल अभी भी हीट पे है, जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे तो ये फ़ौरन एग ले दोबारा कर देंगे। तो बड़ा अच्छा ब्रीडिंग पेयर है ये, तो होपफुली इंशाल्लाह ये और अच्छे बेबीज हमें प्रोड्यूस करके देगा। तो चलें जी, आज की वीडियो इसी के बारे में थी, तो हम लोग आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अब मेरे सब दोस्तों से गुजारिश है कि यार अगर मैं वीडियो बनाता हूँ और कह लें कि आपको पसंद आती है तो लाजमी कमेंट भी करें और लाइक भी करें, और चैनल तो लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, ताकि हम लोग और अच्छी वीडियोज़ बना सकें और हमारी भी हौसला अफजाई हो। तो चलें जी, अपना ख्याल रखें, और आज जुमे का दिन है, आप सबको जुमा मुबारक, और अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। आमीन जी, अल्लाह हाफिज़।